राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं आपके सामने, मोहम्मद परवेज सिद्दीकी, जनाब मोहम्मद परवेज सिद्दीकी साहब। अब मैं सौभाग्य कहूंगा, मैं भी सिद्दीकी, ये भी सिद्दीकी, जितने सिद्दीकी सभी आज माननीय कोषाध्यक्ष जी की अगुवाई में, माननीय सतीश आजवानी जी की अगुवाई में, और इनकी बात जो दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय नेताओं से हुई है उसके अनुसार आज ये जो मोर्चा है अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा, आज कांग्रेस पार्टी को 2022 के विधानसभा के चुनाव में समर्थन दे रहा है। जनता पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा, विधायकों के द्वारा, सांसदों के द्वारा, प्रदेश और केंद्र के मंत्रियों के द्वारा आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही, और उसके बाद भी उनको पूरा सहयोग, क्योंकि प्रशासन उन्हीं के दबाव में है, और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आयोग भी उनके दबाव में है क्या, ये सवालिया निशान है। खुलेआम अधिकारियों के सामने हो रहा है, जब जिम्मेदार अधिकारी है, अरे भाई अब तो आयोग के हाथ में है ना, अधिकारी भी तो आयोग के अंदर में चले गए, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल कहां है हम भी समझ रहे हैं। जगह जगह पे अभी अमित शाह जी ने परसों कैराना में डोर टू डोर प्रचार किया, आप देखिए कि हजारों लोग उनके साथ चल रहे हैं, कोई आचार संहिता को लेकर नहीं। इसके अलावा जहां एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि कल दिल्ली में जहां अमर ज्योति जल रही थी 1971 से, उसको हटा करके वहां सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति की स्थापना की जा रही है। हमें मूर्ति की स्थापना का इकरार नहीं है, क्योंकि हम सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी ने हमारे देश के ऊपर एक उपकार किया है, हमारे ऊपर उपकार किया है, और उस उपकार को कांग्रेस को कभी भूलेगी नहीं, हमारे देश और प्रदेश का जर्जर कभी नहीं भूलेगा। यहां मेरे कहने का तात्पर्य दूसरा है।